Hi friends, here's your friend Balam Das with a new video, video number 50. आज की इस video number 50 के अंदर मैं आपको एक और बहुत important use पढ़ाने जा रहा हूँ और वो हमारा use है use of as soon as. Use of as soon as. इसकी meaning है जैसे ही या जितना जल्दी मुमकिन हो सके. हम daily life के अंदर ऐसे बहुत सारे जुमले बोलते हैं जिसमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे ही या जितना मुमकिन हो सके. तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ये एज सून एज का जो यूज है वो बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाने वाला हूं. आप जुड़े रहना मेरे साथ इस वीडियो में इन तक. तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं कि सबसे पहले हमने जो है एज सून एज का इस्तेमाल करना है. क्या करना है? एज सून एज, या हम कभी कभी एज सून एज को बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद सेंटेंस और उसके बाद एक और सेंटेंस, यानी इस जुमले के अंदर जो है एज सून एज को छोड़कर भी अगर हम देखेंगे तो दो पार्ट्स पे सेंटेंस हमारा होगा, दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगा जिसमें हम कह सकते हैं कि दो छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे. तो आते हैं सेंटेंसेस की तरफ. पहला सेंटेंस है तुम जैसे ही घर आओगे मैं शहर जाऊंगा. तुम जैसे ही घर आओगे मैं शहर जाऊंगा. फ्रेंड्स एज सून एज जो है वो ये जाहिर करता है कि जैसे ही कोई एक सब्जेक्ट एक्शन करेगा तो दूसरा सब्जेक्ट जो है उसका रिएक्शन दिखाएगा. उसे दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको उसका रिएक्शन देगा, यानी जैसे ही आप कोई अमल करेंगे मैं उसका हृदय अमल दिखाऊंगा. यहां पे कहा जा रहा है तुम जैसे ही घर आओगे, यानी जैसे ही सब्जेक्ट घर आने का अमल करेगा तो हृदय अमल में ये दूसरा सब्जेक्ट जो है वो शहर चला जाएगा. तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे. सबसे पहले एज सून एज तुम घर आओगे यू विल कम टू होम. मैं शहर जाऊंगा आई विल गो टू सिटी. अब देखें है ना कि जैसे ही सब्जेक्ट जो है एक सब्जेक्ट ने कोई अमल दिखाया तो दूसरे ने फौरन जो है उसका हृदय अमल दिखाया. आते हैं नंबर टू सेंटेंस पे. बेनजीर ने जैसे ही अनाउंस किया नैना डाइस पे चली गई. यानी जैसे ही सब्जेक्ट बेनजीर ने अनाउंसमेंट का अमल किया तो हृदय अमल में जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा नैना, उसने वो जो है डाइस पे चली गई, उसने डाइस पे जाने का काम कर दिया. तो एज सून एज सबसे पहले हमारा आएगा यूज एज सून एज बेनजीर अनाउंस किया नैना डाइस पे चली गई. नैना वेंट टू द डाइस. आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे जो कि हमारा तुम जैसे ही मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा. तुम जैसे ही मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, या आप जैसे ही मुझे फरमाइश करेंगे मैं वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा. तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं एज सून एज यू विल कॉल मी मैं आ जाऊंगा आई विल कम. तो फ्रेंड्स एज सून एज का जो यूज है वो अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना, कि जैसे ही तमाम सेंटेंसेस हमने जैसे ही इस्तेमाल किया है. अब इसकी एक और मीनिंग मैंने यहां पे लिखी जितना जल्दी मुमकिन हो सके. तो अब दो सेंटेंसेस इस पे कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके. हम कहते हैं जितना जल्दी मुमकिन हो यहां से चले जाओ, जितना जल्दी मुमकिन हो सके यहां से चले जाओ. तो इस ऐसे सेंटेंस के अंदर हम जो एज सून एज का इस्तेमाल करेंगे वो इस तरह करेंगे एज सून एज पॉसिबल. यहां पे हम लगाएंगे पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो या जितना जल्दी मुमकिन हो सके यहां से चले जाओ.
leave from here. ये हमारा सेंटेंस आते हैं नंबर 5 सेंटेंस पे। ये भी ऐसा ही सेंटेंस है, जितना जल्दी मुमकिन हो मुझे फोन करो। हम कभी कभार इमरजेंसी में अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को कहते हैं कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके मुझे फोन करो। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, कॉल मी एज सून एज पॉसिबल। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम सेंटेंस लिख दें और उसके बाद एज सून एज का इस्तेमाल करें। यानी ऐसे सेंटेंस के अंदर एज सून एज पहले इस्तेमाल करें या बाद में करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा। जितना जल्दी मुमकिन हो या हो सके, हो या हो सके मुझे फोन करो, कॉल मी एज सून एज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स अब कुछ सेंटेंसेस हिस्बे मामूल एज एन एक्टिविटी जो कि मैं तकरीबन हर वीडियो के अंदर देता रहता हूँ। अब एक्टिविटी क्यों देता रहता हूँ, अगर कोई नया व्यूअर जानना चाहता है तो मेरा एक्टिविटी देने का मकसद ये होता है कि जो कुछ आपने वीडियो के अंदर सीखा है आया उसकी आप जो है टेस्ट ले लें। आप इन सेंटेंसेस के थ्रू उसकी टेस्ट ले सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपने उस वीडियो के अंदर क्या कुछ सीखा है। तो मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें से आपकी हेल्प कर दूँ। नंबर 1 सेंटेंस, जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आप देख लेते हो। ये आपकी बहुत ही अच्छी हैबिट है जो मुझे बहुत पसंद है कि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ आप दोस्त देख लेते हो और मुझे कमेंट कर देते हो कि सर दिस इज वेरी नाइस वीडियो, या जो कुछ भी आप उसमें से देखते हो वो कमेंट कर लेते हो, थैंक्स फॉर दैट। तो नंबर 2 सेंटेंस, वो जैसे ही मेरे पास आया मैंने उसकी मदद की। आपसे भी कह रहा हूं अगर कोई आपके पास मदद के लिए आए तो कोशिश करना आप उसकी मदद कर लेना। नंबर 3, जैसे ही बारिश बरसना शुरू हुई हम घर चले गए। कितना गलत किया हमने, है ना, बारिश तो होती है तो हमें उसमें जो है नहाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन नहीं हमने ऐसा नहीं किया, जैसे ही बारिश बरसना शुरू हुई हम घर चले गए। नंबर 4, जितना जल्दी मुमकिन हो सके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप में से किसी व्यूअर ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उसे एक मशवरा दे रहा हूँ कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस जो है ऑन टाइम आपके पास जो है पहुँच जाएँ। तो नंबर 5 सेंटेंस, जितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े रहना, मेरी वीडियोस को बाकायदगी से देखते रहना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा, जितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा मैं आपको इंग्लिश ग्रामर जो है घर बैठे आपके जो है सिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपने ट्रांसलेट करना है और होपफुली मैं ये कहता हूँ कि अब जो ऐसे सेंटेंसेस आपको अगर कोई देगा या कहीं से मिलेंगे तो इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते वक्त आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एज सून एज का यूज़ जो है बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करके समझाया है और आपने भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह जो है ये यूज़ एज सून एज वो सीख लिया होगा। तो हाजिर होऊंगा आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।